वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.6 करेंगे, जो बेस्ड है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चों समझिए होता क्या एक्चुअल में। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको निकालना है dy by dx, बट इस dy by dx को आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपका या तो t के टर्म में डिफाइंड होगा, या थीटा के टर्म में डिफाइंड होगा, या किसी और टर्म में डिफाइंड होगा। सपोज आपका क्वेश्चन t के टर्म में डिफाइंड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे dx अपॉन dt। उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। और सपोज y की वैल्यू भी t के टर्म में गिवन है, तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, y वाले फंक्शन को भी t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस dy अपॉन dt और dx अपॉन dt इस दोनों का आप रेशियो निकालेंगे। तो जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dt एज इट इज, और जो dx अपॉन dt है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल dt अपॉन dx। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, dy by dx। कहने का मतलब इस बार डायरेक्टली आप dy by dx नहीं निकालेंगे, x की वैल्यूज जिस टर्म में गिवेन होगी आप उसे उसी टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज t के टर्म में गिवेन है तो आप निकालेंगे dx अपॉन dt, अगेन आप निकालेंगे dy अपॉन dt, और इसके बाद dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इसमें इस दोनों टर्म का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब आ जाएगा आपका डायरेक्टली क्या, dy by dx। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गिवेन है हमारा, समझिए x की वैल्यूज गिवेन है हमारे पास x इक्वल टू 2at स्क्वायर। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा t के टर्म में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, तो यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 4 at। ओके, और आपके पास y की वैल्यू गिवन है 84। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू a बाहर करो, t 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4t³। फाइनली dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4at³। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इसके बाद dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इस दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4at³ अपॉन 4at, 4 से 4 a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, t से जा रहा है कितने पे, t स्क्वायर पे, और यहाँ dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, x को भी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए आपके पास x इक्वल टू a cos थीटा है, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a बाहर करेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो फाइनली dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a साइन थीटा। ओके, अगेन y इक्वल टू b cos थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा, b बाहर करेंगे कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो यहां से dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यूज निकालेंगे, तो dy अपॉन d थीटा के प्लेस में कितना है, माइनस b साइन थीटा, और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो d थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू b अपॉन a, दैट इज द आंसर। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल टू साइन t, अगर आप इसे t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t, और आपके पास गिवन है y इक्वल टू cos 2t, अगर आप इसे t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt
कॉस टू टी का क्या होगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू, तो यहां से dy अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू साइन टू टी। ओके अब आप क्या करेंगे फाइनली dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस टू साइन टू टी, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है cos t। तो यहां से dt क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू साइन टू टी का फॉर्मूला आपका होता है टू साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, इस कॉस टी से कॉस टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू टू जा फोर माइनस फोर साइन टी। ओके ओके बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारा x इक्वल टू फोर टी y इक्वल टू फोर अपॉन टी, तो अगर x इक्वल टू फोर टी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे t के टर्म में डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt और 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4। ओके और आपके पास y की वैल्यू है 4 अपॉन t, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, 4 आप बाहर करेंगे तो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो फाइनली dy अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ओके तो dt से dt कैंसिल, तो यहां से dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, अगर फ्रैक्शन के नीचे में कोई टर्म हो तो वो टर्म हमेशा नीचे ही होता है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो अगर x की वैल्यू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा गिवन है तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। ओके तो यहां से dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस sin थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 sin 2 थीटा। इसी प्रकार से y की वैल्यू आपके पास गिवन है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, और साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस टू थीटा, टू थीटा का क्या हो जाएगा टू, तो फाइनली dy अपॉन d थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ओके अब हम क्या करेंगे नाउ dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का रेशियो निकालेंगे, तो dy अपॉन d थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है cos थीटा माइनस टू cos टू थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस sin थीटा प्लस टू sin टू थीटा, डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा माइनस टू cos टू थीटा अपॉन माइनस sin थीटा प्लस टू sin टू थीटा, दैट इज द आंसर। ओके ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, x इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, तो अगर आप x को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा a, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा। ओके सिमिलरली अगर आप y को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा यहां से dy अपॉन d थीटा इक्वल टू ए, वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए साइन थीटा। फाइनली डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता हमारा क्या, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके, और अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, इस साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा बाई टू और अपॉन साइन थीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा अपॉन टू, डेट इज द आंसर। ओके ओके बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस रूट ए, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस रूट ए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से और तसल्ली से देखना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे u अपॉन v, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद v एज इट इज, तो अंडर रूट कॉस टू टी एज इट इज, और u का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर टी विद पावर, और जब विदाउट पावर करोगे तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, माइनस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, माइनस u एज इट इज साइन क्यूब टी एज इट इज, और अंडर रूट कॉस टू टी का क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस टू टी। ओके, और कॉस टू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा टू, इस टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली वी कैन से दैट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा थ्री अंडर रूट कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन क्यूब टी और इंटू साइन टू टी और अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। ओके, और इस पूरे के अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी हमारी कॉस टू टी। अब क्या होगा, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं ऊपर वाले का, कितना dx अपॉन dt इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वन का और अंडर रूट कॉस टू टी का अंडर रूट कॉस टू टी एलसीएम। अब इस कॉस टू टी से कॉस टू टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थ्री कॉस टू टी एंड रिमेनिंग टर्म्स आर साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, प्लस वन से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी। ओके, और अपॉन में जो कॉस टू टी था इसे मैं लिख रहा हूं वन अपॉन कॉस टू टी। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू थ्री कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी का फॉर्मूला हमारा होता है टू साइन टी कॉस टी और अपॉन, बच्चों इस दोनों का बेस क्या है सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, यहां से कॉस टू टी का पावर यहां पे हाफ यहां पे प्लस वन, तो हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री अपॉन टू। ओके, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू, इसमें से साइन टी और कॉस टी कॉमन करो ऊपर से, अगर आप साइन टी कॉस टी कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा थ्री कॉस टू टी, और साइन स्क्वायर टी अगर एक साइन टी कॉमन करोगे तो यहां पे क्या बचेगा एक साइन टी बचेगा ओनली। ओके, थ्री कॉस टू टी इंटू साइन टी प्लस यहां से अब साइन टी कॉस टी कॉमन करोगे तो क्या बचेगा टू साइन
टू साइन क्यूब टी और अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा कॉस टू टी का पावर 3/2। ओके बच्चों, y की वैल्यू गिवन है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस क्यूब टी। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, इसमें हम लगाएंगे u अपॉन v, तो नीचे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर दैट इज कॉस टू t का होल स्क्वायर। अब v के प्लेस पे कितना लिखेंगे अंडर रूट कॉस टू t, u का डिफरेंशिएशन तो कॉस क्यूब टी क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t, और कॉस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t। ओके, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज, कॉस क्यूब टी एज इट इज, और अंडर रूट कॉस टू टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 3 कॉस स्क्वायर t और साइन t अंडर रूट कॉस 2t, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यूब t और इंटू साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ओके, और इसके अपॉन में 1, इस पूरे के अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कॉस 2t। ओके, तो अब क्या होगा ध्यान से समझिए, dy अपॉन dt इक्वल टू, अगर आप 1 और cos 2t का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट cos 2t, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल cos 2t, और प्लस जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos क्यूब t और इंटू साइन 2t, और इंटू ये जो cos 2t है इसे मैं लिखता हूं 1 अपॉन cos 2t। ओके, तो अब ध्यान से देखिए dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t और cos 2t प्लस cos क्यूब t, और 2 साइन t का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos t इंटू साइन t अपॉन, इस दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा एड, तो ये हो जाएगा cos 2t टू दी पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। सिमिलरली dy अपॉन dt इक्वल टू, अगर आप इसमें से sin t cos t कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म्स आर, यहां पर से एक cos कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 3 cos t, और sin t आपने कॉमन कर लिया यहां पे क्या बचेगा इंटू cos 2t। ओके, प्लस यहां से अगर आपने sin t cos t कॉमन किया है तो क्या होगा 2 cos क्यूब t, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t टू दी पावर 3/2। ओके, फाइनली अब हम क्या करेंगे, मेरे को dy by dx चाहिए, तो अगेन dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt के प्लेस पे ये सारी वैल्यूज sin t और इंटू cos t इंटू में माइनस 3 cos t और इंटू cos 2t प्लस 2 cos क्यूब t, 2 cos क्यूब t और अपॉन cos 2t टू दी पावर 3/2, cos 2t टू दी पावर 3/2 अपॉन dx अपॉन dt के प्लेस पे ये सारी वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा sin t इंटू cos t, ये हो जाएगा आपका 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस टू साइन क्यूब टी और अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t टू दी पावर 3/2। बच्चों dt से dt कैंसिल,
कॉस टू टी से कॉस टू टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेन इस साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म्स आर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कॉस टी और इंटू कॉस टू टी और प्लस टू कॉस क्यू टी अपॉन थ्री कॉस टू टी और इंटू साइन टी और प्लस टू साइन क्यू टी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कॉस टी और कॉस टू टी का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन प्लस टू कॉस क्यूब टी अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा थ्री कॉस टू टी का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस टू साइन क्यूब टी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री टू सा सिक्स माइनस सिक्स कॉस क्यूब टी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री कॉस टी और यहां भी क्या हो जाएगा प्लस टू कॉस क्यूब टी और अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस थ्री टू सा सिक्स सा क्या हो जाएगा थ्री साइन टी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा थ्री साइन टी और थ्री साइन टी को जब माइनस टू साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू सा सिक्स साइन स्क्वायर टी को साइन टी से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी प्लस टू साइन क्यूब टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू थ्री कॉस टी माइनस सिक्स कॉस क्यूब टी प्लस टू कॉस क्यूब टी क्या हो जाएगा माइनस फोर कॉस क्यूब टी अपॉन ये क्या हो जाएगा थ्री साइन टी और माइनस सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर साइन क्यूब टी। बच्चों अगर मैं ऊपर वाले टर्म में से माइनस कॉमन करता हूं तो फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी और अपॉन नीचे फॉर्मूला किसका बन रहा है चलो लिखो आप थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस थ्री थीटा का तो कॉस थ्री टी और नीचे बन रहा है साइन थ्री टी का साइन थ्री टी कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थ्री टी। ओके ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू वाई इक्वल टू ए साइन टी और हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस x वाले टर्म को हम क्या करेंगे t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन t प्लस log x का क्या होता है वन अपॉन x तो log tan t बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन tan t बाई टू बट एंगल को जब दोबारा करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x तो टेन टी बाई टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू अगेन जब एंगल का करेंगे तो टी बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन टू। ओके तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी और प्लस वन अपॉन इसे कितना लिख सकते हो टेन टी बाई टू को साइन टी बाई टू और अपॉन कॉस टी बाई टू जो थर्ड टर्म है वो ऊपर चला जाएगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कॉस टी बाई टू और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू और इंटू वन बाई टू। ओके तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस इस कॉस टी से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल तो वन अपॉन टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन बच्चों टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है तो ये क्या हो जाएगा साइन टी। ओके इसके अपॉन में बनने का एलसीएम लीजिए तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन टी साइन टी को साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और प्लस वन वन जा वन
तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर t इक्वल टू कॉस स्क्वायर t और अपॉन में साइन t। इसी प्रकार से हम y वाले को क्या करेंगे, t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt a, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस t। इसके बाद dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt जब निकालेंगे तो dy अपॉन dt के प्लेस पे कितना है a cos t, अपॉन dx अपॉन dt के प्लेस पे कितना है a cos स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t, और ये जो sin t है ये ऊपर जाएगा इनटू sin t। ओके, तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस cos से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो dy by dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, दैट इज इक्वल टू टेन टी। ओके ओके बच्चों, नाइन क्वेश्चन है हमारा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। अगर आप इसे थीटा थीटा पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है क्या sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, सिमिलरली y वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की जब वैल्यूज निकालेंगे तो dy अपॉन d थीटा के प्लेस पे कितना है b sec स्क्वायर थीटा, और अपॉन dx अपॉन d थीटा के प्लेस पे कितना है a sec थीटा इनटू tan थीटा, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी sec से स्क्वायर कैंसिल, तो b अपॉन a। इस sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बी अपॉन ए 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस साइन और कॉस का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डीवाई बाई डीएक्स हमें निकालना है, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डी थीटा ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, प्लस इस थीटा साइन थीटा दैट इज दो फंक्शन है, तो इसे डिफरेंशिएट करके हम करने के लिए हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो थीटा एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का कितना हो जाएगा वन, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो डीएक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए थीटा कॉस थीटा। ओके, इसी प्रकार से वाई को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे u इंटू v, तो थीटा एज इट इज कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और थीटा कितना हो जाएगा वन। ओके, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस थीटा, साइन थीटा माइनस और प्लस माइनस क्या होगा कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो फाइनली dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a थीटा साइन थीटा। ओके, इसके बाद मेरे को वैल्यू निकालनी है dy by dx की, तो हम क्या करेंगे dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालेंगे,
डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए थीटा कॉस थीटा। तो क्या होगा, डी थीटा कैंसिल, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो यहाँ फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ओके ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। तो देखिए जब आप इसे टी के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर आपके स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। इसके बाद विदाउट रूट, तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, याद रखना। तो क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स एज इट इज साइन इनवर्स टी और इंटू लॉग ए। अगर ए का पावर कोई फंक्शन हो उस फंक्शन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से समझिए, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और इनटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर आपका फंक्शन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी है, अगर आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। इट्स मीन ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ए अपॉन टू, और ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के, तो टू एक्स अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, विदाउट रूट जब करोगे तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का क्या होगा, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और जब कॉस इनवर्स टी का करोगे तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और ये माइनस का साइन में बाहर लिख रहा हूं, और अपॉन में अंडर रूट टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी और इनटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, हम मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपके पास वाई इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। तो अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन अंडर रूट टू, और इस पूरी की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के, तो टू वाई अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, इस वाई से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस वाई लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद मेरे को क्या निकालना है,
dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी है, माइनस y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। और dx अपॉन dt की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो फोर्थ टर्म है वो कहा जाएगा ऊपर, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन x log a। तो क्या होगा, इस log a से log a कैंसिल, 2 अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर से 2 अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर कैंसिल, dt से dt कैंसिल। तो यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस y अपॉन x। और यही हमें क्या करना था, ले जाना था। ओके बच्चों।